ताजुद्दीन बाबा के सालाना उर्स की शुरुआत आने वाले 21 अगस्त से हो रही है, जिसके चलते हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट द्वारा उर्स के चलते तैयारियां शुरू की गई है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इंतजाम किए गए हैं, जिसमें स्थानीय पुलिस NMC का ट्रस्ट को पूरा सहयोग होगा। उसी सुरक्षा के इंतजाम का जायजा शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा लिया गया। इस दौरान अमितेश कुमार द्वारा परिसर के असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को अंजाम देने वालों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई है। आगामी 21 अगस्त से ताजाबाग में शुरू होने वाले उर्स के चलते पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगाने के लिए आज सुबह शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और अन्य पदाधिकारियों ने जायजा लिया। इस दौरान ताजबाग ट्रस्ट के पदाधिकारी भी मौजूद थे। सभी पुलिस विभाग और सभी प्रशासकीय विभाग की पूरी तरीके से तैयारी है, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटे उसके बारे में आवश्यक इंतजाम, उसके बारे में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के जो विशेष करके कोविड के बाद ये 2 साल नहीं होने के बाद ये उर्स है और ये सवा साल है, इसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली गर्दी ज़्यादा होगी। हम पूरी तरीके से क्राउड मैनेजमेंट के लिए तैयार हैं। जहाँ तक अलग अलग चोरियाँ की घटना, चेन स्नैचिंग या जेब कतरे, मोबाइल चोरी, इस प्रकार की जो घटना होती है वो भी इस बार नहीं हो, इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मेरी पुलिस विभाग की हमेशा यही भूमिका रहती है कि हम शेवट के क्षण तक लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करें, विनंती करें कि वो कायदे के मार्ग पे चलें। जहाँ तक आंदोलन का बात है, जहाँ तक घटना के तरतूद के अंतर्गत जो आंदोलन होता है उसका उनको लोगों को उसकी परवानगी है, उसके बारे में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब आंदोलन में कोई इस प्रकार की घटना जो बिना परवानगी करें या फिर इस प्रकार की आपत्तिजनक भाषा करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे, कोई भी कायदे के विरुद्ध कोई कार्रवाई, कोई अगर कृत्य करता है तो उसके ऊपर डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस प्रकार के लोग जो गुनेगारी हालचाली के कुछ लोगों के ऊपर MCOC के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है, कुछ लोग उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस गैंग को मदद करने की बात सामने आ रही है, उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि ये ध्यान रखें कि MCOC के आरोपी या गैंग को मदद करना खुद एक गुनाह हो सकता है, इसको भी लोग ध्यान में रखें। पुलिस विभाग हमेशा एक टैक्टफुलनेस की भूमिका अपनाती है, कभी भी टकराव की स्थिति नहीं चाहती है। लोगों से हमें विनंती रहेगी, लोगों से आग्रह रहेगा कि कायदे के मार्ग पर चलें और पुलिस से टकराव की भूमिका पर ना आए। अंदाजन पूरे 10 दिन 21 तारीख से जो 30 तारीख के दरमियान का ये बंदोबस्त है, यहाँ पर करीब 150 से 2000 लोग बंदोबस्त पर रहेंगे, लेकिन 25 तारीख को 1000 आंखी बंदोबस्त, जो 25 को मेन दिन है और संदल का दिन है, उस दिन 1000 और अधिकारी कर्मचारी लगाए जाएंगे। बंदोबस्त तो इस बार सीपी साहब ने खुले शब्दों में चेतावनी दे दी, जो कुछ लोग मुट्ठी भर लोग जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनके लिए सीपी साहब की ये चेतावनी दी। और हम सभी जितने भी भाविक सभी धर्म जात के लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा का ये 125वां सालाना उर्स है, हम सबको मिलकर मनाना है। यहाँ जात पात धर्म इस सब से उठकर ये और यहाँ का माहौल ख़राब ना करे, उसका हमको विशेष ध्यान रखना है। आप देखोगे तो पिछले 10 सालों में ऐसे अरेंजमेंट नहीं होंगे। हमने 2.5 लाख स्क्वायर फीट के डोम देख रहे हो, इतने खूबसूरत डोम है। और पुलिस का इस बार 1000 पुलिस का बंदोबस्त एक्स्ट्रा रहने वाला, जो कि 100-150 पुलिस का बंदोबस्त रहता था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से श्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ये मीटिंग उनके घर पे कंडक्ट हुई थी बाबा के 125वें उर्स की। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी सेंट्रल के मिनिस्टर ने अपने घर पे ये मीटिंग कंडक्ट की है। उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमण के कारण 2 वर्ष के बाद बाबा ताजुद्दीन के सालाना उर्स पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वही 125वां उर्स होने से श्रद्धालुओं में उत्साह है, इसे देखते हुए ताजाबाग ट्रस्ट ने विशेष तैयारियां की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।